नहीं आ रही, चल सूरज चल, वो भाग गया। Hi guys, good morning, welcome back to our new vlog. मैं और भाई दोनों रेडी हैं। अभी आप बताइए। अभी तो वो तो गए और मतलब यार हाथ पैर धो लूंगा अब रेडी हूं। ठीक है, वैसे ना उन दोनों में से ना एक जरा तो भाग गया ब्रेकफास्ट करने के लिए। नीतू ब्रो भाग गई, टाइम से तैयार हो गई। हो यसी अभी रेडी हो रही है और हम लोग भी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट हट जाएगा भाई। एक बार दो बार वार्निंग आ चुकी है वहां से। अच्छा चल भाई चलो। अच्छा गाइस, आज जाने वाले हैं हम भूल गया जगह का नाम भाई क्या था, पहलगाम। वो जगह इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि मैं क्या बताऊं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो यहाँ का मिरर। एक्चुअली ना ये होटल अभी बन रहा है, पूरी तरीके से बना भी नहीं है, तो इसलिए इसमें आधी अधूरी चीजें हैं कुछ कुछ। तो हाँ, कितना टाइम लगा तेरे को रेडी होने में? हाँ सुबह सुबह डिनर ही कर लूँ ना मैं। सॉरी वो ब्रेकफास्ट। तू हो जा, मैं साथ में चलूंगा तेरे। अरे मैं तेरे बिना नहीं कर सकता ना यार। ओह माय गॉड। सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी। लेट लती कर रहे शर्म। हाय ब्यूटीफुल। कुछ कटेगा ही नहीं, ये सब एक मजाक था। मजाक लो भाई चले, अभी ना 3.5 घंटे की जर्नी है पहलगाम की। yes. और वो जगह बहुत 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 ज्यादा सुंदर है। यहाँ के लोकल ने हमें बताया कि मतलब पूरा, हाँ सबसे बेस्ट हुई है। और पूरा महीना भी वहाँ लगा दोगे ना तो भी पूरी तरीके से उसको नहीं घूम पाओगे। ये देखो इसका आउटफिट देखो, ठीक है कुर्ती और इसके शूज देखो। ये मुझसे मैच कर रही है। अभी इसने कुछ रखा हुआ है ना, मैंने बूट्स रखे ब्लैक कलर के। हमारे दोनों साइड बहुत ही यहाँ की फेमस चीजें हैं। राइट साइड में है केसर, यहाँ केसर होती है। अभी तो नहीं है, ये अक्टूबर के सीजन में होती है, जहाँ पर आपको ये पूरा फील्ड जो है ना पर्पल कलर के फ्लावर से ढका हुआ दिखेगा। और इस साइड जो पेड़ वगैरह है यहाँ पर होता है मामरा बादाम और अखरोट। देखो हमने क्या लिया, चेरीज। गाइस हैव सम चेरीज। और ये दीदी ने 100 बोला और उन्होंने दे भी दिया ना, वो पहले 140 बोल रहे थे। मम्मी जब गई थी ना कश्मीर, मम्मी बहुत सारे बॉक्स लेकर आई थी 100 के, तो मम्मी ने मुझे बताया था। ये देखो ये आपको ऊपर दरगाह दिख रही है, यहीं पर शूटिंग हुई थी बजरंगी भाईजान की। वो गाना जो है भर दो झोली मेरी, हाँ वो यहीं शूट हुआ है। वेलकम टू पहलगाम, फाइनली पहुंच गए हम लोग। साइड में देखो टीवी कितना सुंदर है। वाओ सर, हम जहाँ ऊपर जा रहे हैं वहाँ पर भी मिलेगा कि पानी। ये देखो ऐसे देख, लेफ्ट में देख, कुछ रास्ता याद आया ये वाला? हाँ बता कौन सा। मनाली से आगे निकलते हैं तब पहुंच गए हम लोग। अब यहाँ से जाएंगे हम, जो यहाँ पर हॉर्सेज है उनको बोलते हैं पोनी, उन पर बैठकर आगे का रास्ता, क्योंकि इससे आगे कार नहीं जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी जगह है जहाँ पर यहाँ से जाते हैं। ये सारी लोकेशंस हैं यहाँ पर जाते हैं हम, और इनके प्राइसेस ये हैं। इस जगह पर हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि इसका एक दिन का ट्रैक है, पूरा एक दिन लग जाता है इसको पहुँचने में, और इसका 8500 रुपीज लगता है। तो हम लोग बाकी ऊपर का करने वाले हैं। क्या सोचा भाई? मैं ये तो चल रही है वाटरफॉल, तो कल की तरह ना हो, वहाँ डेंजर लिखा हुआ, बाहर से फोटो लेकर आ जाए। सर जी अगर आप एक रूट में जाएगा, एक रूट में आपको 3 प्लेसेस कवर हो जाएंगे। भाई सरन डबियन कश्मीर, भाई सरन डबियन कश्मीर, एक और चार भी जा सकते, एक और चार। अच्छा ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है, ये पूरा 2500 रुपए का, ये इकलौती जगह 2500 रुपए की। 2500 भाई। एक चीज तो कश्मीर में आके समझ में आ गई कि यहाँ पर घूमने के लिए एक अच्छा बजट चाहिए। सच में मतलब अच्छा बजट चाहिए, ट्रैवल बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ मतलब यहाँ पर आप चाह कर भी कम नहीं कर सकते किसी भी चीज की प्राइस। ऑप्शन कुछ नहीं, तू जा आगे वो लोकेशंस देख, कहाँ कहाँ जाने वाले हम। सबसे एक्सपेंसिव वाली लोकेशन बात करेंगे, देखते रहना। तो हमें ये बता रहा था कि यहाँ पर अभी देख लो कि एक जने का 2500 रुपए है, वो सबसे सस्ता वाला जो तीन लोकेशन को कवर करता है पैकेज। वही पैकेज लेने फायदे है, वही वही ले रहे हैं। हाँ महंगा है, थोड़ा सा कॉस्टली। गाइस लंबी लंबी सांसें लो, लंबी लंबी सांसें लो। भाई मस्त लग रहा है बैग आपके ऊपर। अगर आपको भी ये बॉयज कलेक्शन है, आप कंफ्यूज मत होना, ये तो मैं बता सकता हूँ। भैया इनको ना एक दो बार गिराना है नीचे बस रास्ते में। देख मेरे घोड़े। ऑल गुड यशी। हाँ ऑल गुड। वैसे पहले भी बैठ चुकी है, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं। बैठ तो चुकी हूँ, हाँ ऐसा कोई वो नहीं है।
गधे का वजन उठा पाएगा ना तू? अभी गधा बैठा का है, चलो लेट्स गो। ये अभी आप अकेले दोनों को लेकर जाओगे? वाह भाई, डरा रहे हो भैया? नहीं नहीं डरेंगे, इसको इनको ट्रेनिंग दी है। अच्छा ये ट्रेंड है सर, वो हमारा हाथी का है भाई, जिंदगी में पहली बार बैठा, भी टेंशन मांगे ट्यूब भाई को देख के। कवर कवर अरे भाई, पसीने की वाले ट्यूब भाई को देख के। ओ भाई सही है, आप पहली बार बैठे हो? भाई लड़खड़ा रहा है ये तो। भैया 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 एक सेकंड भाई, इधर उधर जा रहे हैं। टीबू भाई के साथ कोई है नहीं क्या? टीबू भाई हमारे लीडर है, लक्ष्मी भाई। जैसे उतरेंगे ना लोकेशन पे, तब तक है ना अपना बम का बम चिकी बम हो चुका होगा। पागल हो गए, गुस्सा आ गया। भाई कसम से इस घोड़े की राइड में ना मजा आ रहा है सिर्फ टीबू भाई को देखने में। ये देखो कितना टफ रास्ता है ये, यहाँ पे हॉर्सेस कैसे जा रहे हैं यार, ये सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। ये देखो पानी पी रहा है अभी ये। मेरे वाले घोड़े का नाम है सुल्तान। यसी, मेरे वाले हॉर्स का नाम है सुल्तान। सुल्तान करने चढ़ाई, मेरे वाले का नाम है हीरा। आई तेरी की टीपू भाई के हॉर्स को थोड़ा सा रेस्ट दिया था, अब वापस बैठ रहे हैं टीपू भाई। टीपू भाई की गलती नहीं है, वो बैग की वजह से हो रहा है। बोला मैं पतला हूँ, है ना भैया? हाँ भैया, ये बता दो इस कैमरे में, बता दो बस। हाँ कोई वजन नहीं है भैया का। हाँ ओके ओके। अभी भाई भाई अभी स्लोप ना बहुत ऊपर है, ऐसे एकदम ऐसा स्लोप है, तो आगे झुक के रहने का। ओके ऐसे? हाँ आगे झुक के। हम तो भाई जो जीवन में झुकेगा वो आगे बढ़ेगा, वरना नहीं। आपको तो इनके सामने झुक के रहना है, देवी देवियों के सामने। इधर हॉर्सेस चल रहे हैं और इधर नीचे देखो क्या थोड़ा सा डर लग रहा है। यहाँ अगर नीचे देखोगे तो बहुत तेज डर लगेगा, इसलिए सिर्फ सामने देखते जाओ, सामने एकदम। हमारे पुराने लोग थे वो यहाँ से पैदल जाते थे इस पहाड़ को क्रॉस करके। हाँ हाँ, इस पहाड़ को क्रॉस करके। बैलगाड़ी बैलगाड़ी भाई, कहाँ पर है ये पहाड़? दो तो रास्ता अभी भी है जाने का, अभी भी है सर, ट्रैकिंग के लिए जाता है इस तरह से। अंग्रेज जाते हैं, अंग्रेज ट्रैकिंग लोग जाते हैं, जो ट्रैकिंग करने के लिए 4-5 दिन के लिए वो यहाँ से। पहले लोग इस जगह से उस पहाड़ी को क्रॉस करके श्रीनगर जाते थे। इसके पीछे और पहाड़ी है। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया यार, 5-7 दिन में पहुँचते थे श्रीनगर। देखना कम्बल पे, ये जगह नहीं बचा। चल मेरा घर क्या, ये घोड़ों में भी ट्रैफिक जाम होता है। अब पहुंच गए हम लोग लोकेशन पे और यहाँ पर बहुत भीड़ है। वो अटक गया, वो देख वो अटक गया आराम से। टीप हाँ भाई, टीपू भाई यार आपको तो वाइट कलर दिया। टीपू भाई बोल रहे हैं भाई मैं शादी में भी अब घोड़ी पे नहीं बैठूंगा। कोई नहीं, बग्गी होती है ना पीछे चलती है उसमें बैठ जाऊंगा। क्या लग रहा है ये, यहाँ पर इसमें घुसने का टिकट है 30 रुपीज पर पर्सन। ये रही हमारी टिकट। अरे यहाँ तो बहुत भीड़ है, दिस इज अ प्रॉपर पिकनिक स्पॉट। और सबसे ज्यादा प्यारा पता मुझे क्या लग रहा है, आसमान में जो बादल टच कर रहा है ना पहाड़ को, और ऊपर जो बर्फ है यार, मेरे को बर्फ को देख के इतनी हो जाती है ना, मैं पागल हो जाती। भाई यहाँ बहुत भीड़ है यार, अच्छी भी लग रही है जगह, बहुत प्यारी है। क्या लग रही है ये खूबसूरत आज, बिल्कुल कलर जा रहा है, है ना? कलर वगैरह आउटफिट वगैरह बहुत प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा। नीतू दीदी ने दिया है मुझे। अरे पेटू ये देखो, अभी ये न्यू बॉर्न है, सिर्फ 2 या 3 दिन का है। ये चीज सही नहीं लगी मुझे कि लेकर आ गए उसको और फोटो खिंचाने के लिए।
अभी हम लोग को ना आए हुए हैं, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट हो गए और हम लोग सिर्फ यहाँ बैठे हुए हैं और इस व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। वैसे पता है हम लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती करी, हम बच्चे रह गए ना सीधे सीधे। यहाँ पर जो कॉस्टिंग है ना वो हद ज्यादा एक्सपेंसिव कर रखी है हम लोगों ने, जो 2500 रुपीज हम लोग पे करके आए हैं वो थोड़ा ज्यादा, वो अगर बार्गेनिंग करते तो 1100 रुपीज में ही हो जाता। एग्जैक्टली, तो हम लोगों ने अपना डबल कटा लिया है बुरी तरीके से बहुत तेज। और ये चीज अच्छी नहीं है क्योंकि जो मैं बताता हूँ आपको, वो तीन लोकेशन हमने देखी ना उसमें सेलेक्ट करी थी कि ये तीन जगह जा रहे हैं, हमें लगा था कि बहुत यार इन तीन जगह घूम के मजा आ जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली एक ये ऊपर वाला पॉइंट ही है जहाँ पर वो लेकर आ रहे हैं। वो रास्ते के दो पॉइंट थे जिसमें कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था उन दो पॉइंट में, तो सीधा ये एक पॉइंट है जो कि कह सकते हो कि हाँ भाई घूमने लायक है। तो आप लोग भी जब भी यहाँ पर आए ना तो अच्छे से बार्गेनिंग करें, हमें और करना ही। हाँ, हम लोगों ने क्या बार्गेनिंग नहीं करी, हमें लगा कि चलो ये फिक्स कॉस्टिंग है, इन लोगों का ऐसे होता होगा बहुत ऊपर होगी जगह और अच्छे से करवाएंगे भी, जैसे हमारे को कल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा करवाया उन लोगों ने, तो हमें लगा यहाँ पर ऐसे करेंगे, बट ये चीज अच्छी नहीं हुई। भाग, ये भेड़ इसके हाथ ही नहीं आ रही, चल सूरज चल, वो भाग गया। अरे भाई नहीं होगी, तुझसे नहीं होगी, किसी के हाथ नहीं आ रही भाई ये। हाय हाय, आप दो हाथ में दो सूरज के। अरे छोड़ी भीड़, कितनी प्यारी है ये, कितनी प्यारी। भाई क्यों भगा रही थी तू? हाँ मुस्कुरा रही है, शी सो क्यूट। हेलो, यशी का अभी फोटो शूट चल रहा है, आज का पूरा फोटो शूट करा के मानेगी, बहुत प्यारी लग रही है ये। और अभी हम जा रहे हैं वो जो बॉल्स हैं उनके पास, उसकी कॉस्ट है 500 रुपीस फॉर 2 पर्सन, जो कि परफेक्ट है, तो अभी उसमें मजे करने जा रहे हैं। अच्छा, हम लोगों ने ना उस बॉल का आइडिया ड्रॉप करके ये आउटफिट्स वगैरह पहनना ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि ये चीज़ तो हर जगह मिल जाती है लेकिन ये आउटफिट और ये यहाँ का जो ड्रेसेस है ये पहनना हर जगह नहीं हो पाता, तो इसलिए हमने ये चूज़ किया। और अभी हम लोग वापस जाएंगे यहाँ से नीचे, क्योंकि नीचे जाने में टाइम लगेगा, उसके बाद 3 घंटे का ड्राइव है। ओके, शूट वगैरह सब डन, अभी हम जा रहे हैं वापस से। प्रभु टीपू घोड़ा पहुंचाना, कौन सा आपका? व्हाइट वाला है मेरा, व्हाइट वाला सुल्तान में है। सुल्तान मेरा है भाई, ये हमारे टीपू भाई को देखो, फुल उसमें लगे हुए हैं शॉट लेने में। हाँ, उनको बड़ा मजा आ रहा है भाई, उतर के भाग गए, बोले भैया मैं तो टेक्स लूंगा, आप लोग जाओ। अभी लग रही है हम लोगों को, मतलब टीपू भाई को बहुत तेज भूख। हाँ, देखा आज के टारगेट आप। तो अभी हाँ पंजाबी रसोई पे आए हैं कुछ खाने के लिए, जूस वगैरह पीने के लिए। हमने कोल्ड कॉफी मंगाई है और यहाँ की कोल्ड कॉफी कुछ अलग सी है, मतलब समझ में नहीं आया, टेस्टी तो है लेकिन अजीब सा टेस्ट आ रहा है, जैसे कॉफी सही है लेकिन दूध कुछ अलग तरीके से। हम लोगों ने ना थोड़ा सा ही खाना मंगाया है, भाई ने एक थाली मंगाई और हम तीनों ने अपने लिए राइस मंगाया और दही। अब से पहले ऐसे करेंगे, हर जगह जाके कम कम मंगाएंगे। हाँ, ताकि पता चल जाए कैसा है, ज्यादा मंगाते ना। हमारा खाना डन एंड गाइस आज के व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा थक चुके हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं, बाय।